हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है तो आज हमने जाना है बांद्रा, जो थोड़ी सी हमारे घर से थोड़ा दूर है। मतलब इट टेक्स अबाउट एन आवर टू रीच बांद्रा। वहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, वो अटेंड करेंगे। वो 1 बजे है, तो टाइम से निकलेंगे तो टाइम पे पहुँचेंगे, ऑल ऑफ दैट। और जैसे आपको पता है, 2 बजे मैं अपना लंच करती हूँ। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि अगर आज हम बाहर जा रहे हैं, 1 बजे हमारा अपॉइंटमेंट है, तो 2 बजे तक अगर हम फ्री हो गए या 2:30 भी फ्री हो गए, तो हम बाहर खाना खाने जाएंगे। ये वैसे ना, मुझे घर पे खाना बेस्ट लगता है। मैं उन में से हूँ वो जो थोड़े से अलग लोग होते ना मैं उनमें से हूँ जो अगर घर पे रहते हैं, घर का खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, घर का खाना खाते हैं, उनका वेट गेन हो जाता है। जब मैं बाहर जाती हूँ या कोई आउटडोर होता है या किसी भी ट्रैवल के लिए बाहर जाती हूँ, तो हमेशा मेरा वेट लूज़ होता है। और जब मैं घर पर होती हूँ तो मेरा वेट गेन होता है। सो यू कैन इमेजिन, मैं कितना भी काम कर लूँ घर पे, कुछ भी कर लूँ, मेरा वेट गेन होता ही है घर पे। पता नहीं क्यों, नहीं आई नो, क्योंकि मुझे घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर के। बट क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आई थिंक कामशेत जब हम गए थे तो वहाँ पे भी एक्चुअली होम स्टे टाइप का था, घर का टाइप का खाना था, बाहर बाहर नहीं था। तो आज हम बाहर जा रहे हैं बहुत टाइम बाद, यू नो दैट एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड एंजॉयिंग अ मील, वो होने वाला है। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट एक्चुअली, एंड होपफुली खाना अच्छा हो, क्योंकि मोस्टली मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। तो यस, होपफुली। ये बोलना चाहती हूँ कि मैं तैयार हो गई हूँ बहुत टाइम से, हाफ एन आवर प्लस हो गया है मुझे, बट सिकंदर अभी भी नहा रहा है। 11:35 हो गए हैं एंड सिकंदर स्टिल टेकिंग अ बाथ। तो मेरा मकसद ये है ये बोलने का कि हमेशा लड़कियों को ब्लेम मत करें, कभी कभी लड़के भी आपको लेट कराते हैं। वैसे सिकंदर टाइम पे रेडी हो जाता है, पर कभी कभी पता नहीं उसको क्या हो जाता है और वो बहुत टाइम लगाता है। तो जैसे आज वो अपनी लेजेंडरी अपना बाथ ले रहा है, और बस तो डोंट ब्लेम विमेन हमेशा, ठीक है? बस यही बोलना। वी हैव लेफ्ट सिकंदर। अच्छा, तुम इधर हो? फाइनली निकल गए हैं हम, देख लीजिए। वेल, आई वाज रेडी ऑन टाइम। ओ प्लीज, हमारा जो अपॉइंटमेंट था वो हो गया है। अब हम जब कार के तरफ चले तो वहाँ पे हमारी गाड़ी तो हो गई है। तो अब हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो नंबर छोड़ के गया था हमारी गाड़ी पे। तो हम वेट कर रहे हैं एक बार वो कब आएगा और वो बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे नो पार्किंग का कोई साइन नहीं था एंड हमारी फिर भी गाड़ी पे क्लैंप लगा दिया गया है। तो क्यों लगाया है वो हमें नहीं पता। सो अब वो जब अब आ गए हैं, क्या बोलते हैं, ये रहा क्लैंप जो हमारी गाड़ी पे लगा के चले गए और एक नंबर छोड़ के चले गए कि ये नंबर पे कॉल कर देना, हम आ जाएंगे ये क्लैंप हटाने। और ये रहा सिकंदर, बहुत गुस्से में था, क्योंकि जो नो पार्किंग का साइन था ना, वो बहुत दूर था जहाँ से हमने गाड़ी पार्क की थी, और ये फाइनली आ गए, थैंक गॉड। व्हाट अ पेन। चलो, ये रही सुशी। बहुत बहुत टाइम बाद सुशी खाई। ये कुक्ड है, हाँ ये रॉ नहीं है, हमें भी कुक्ड सुशी पसंद है। ये रहा मीट सिकंदर का, और मैं खा रही थी प्रॉन्स। मैंने 2 साल पहले मीट एग सब कुछ छोड़ दिया खाना। सो ये तो हमने अपना लंच कर लिया है। एक्चुअली जब हमारी गाड़ी टो हुई ना, उसके बाद हम लोग का मूड थोड़ा सा ऐसे हो गया, बट बहुत यम्मी लंच था। अभी लंच किया है, जापानीज़ रेस्टोरेंट गए थे हम, एक बहुत ही क्यूट रेस्टोरेंट है जूमी करके बांद्रा में, एंड यू कैन ट्राई इट टू। एंड अगर आपको जापानीज़ खाना अच्छा लगता है, मेरा मोटो यहाँ पे आने का एक ही था कि मैं ऐसा कुछ खाना चाहती थी जो मैं खुद नहीं बनाती,
समथिंग लाइक जो घर में हमारे बनता नहीं है. तो जॉब वेल डन एंड आई एम सुपर सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस जापानीज रेस्टोरेंट एंड या हैप्पी टू बी हियर. हमारी गाड़ी आ गई है. तो अभी हमने बहुत ही अमी अमी सा लंच करने के बाद हम चल पड़े हैं. हमारे घर के पास में एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स शॉप खुली है, लाइक अ मॉल खुला है. तो वहाँ जा रहे हैं. मुझे योगा मैट खरीदनी है. मेरी जो योगा मैट है ना वो पता नहीं इतनी सालों पुरानी है, पर वो अमेजिंग मैट है. मतलब उससे अच्छी मैट मैंने आज तक नहीं देखी है. मैं उसे ऑलमोस्ट एवरी टू वीक्स में एक बार धोती हूँ. हाँ, मैं अपने योगा मैट को धोती हूँ. यस, ओके, आई हैव दैट थिंग ऑफ क्लीनिंग माई मैट एक्सेसिवली. बट इमेजिन वो मैट धुलती है, अच्छे से साफ होती है एंड देन आई कैन यूज इट ऑल्सो. यूजली मैट्स आपको वॉशेबल नहीं मिलती. तो अभी आप यही सोचे होंगे तो वही ले ले वापस बहन, पर नहीं, वो मिल नहीं रही है. अमेजोन से मैंने मंगाई थी एंड इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ. आई रियली होप वो वापस रीस्टॉक करें. मैं उसे ही वापस खरीदूंगी, बट वो नहीं हो सकता. तो अभी मैं ये ट्राई कर रही हूँ. एंड वहाँ पे कुछ एंकल वेट्स ये सब भी लेने हैं मुझे, तो मैं वो भी लूंगी. और सिकंदर मेरे साथ ही जा रहा है. होपफुली वो स्पोर्ट्स की चीजें देख के एकदम मतलब इंथू आ जाए उसमें और वो भी कुछ करने लग जाए, कोई स्पोर्ट या कोई एक्टिविटी या कोई वर्कआउट है. सिकंदर, व्हाट डू यू थिंक, विल यू गेट मोटिवेटेड? लेट्स सी. आई रियली वांट सिकंदर. वन मोर एक्सबॉक्स एंड पीएस. नो मोर एक्सबॉक्सेस एंड पीएस 4, 5s और व्हाटएवर. पर मेरा कौन सुनता है यार, मेरा कोई सुनने नहीं वाला है. तो छोड़ो, वो भी खेलो, मैं ये नहीं बोलती हूँ, वो भी खेलो, बट यार थोड़ा कुछ और भी करना चाहिए. पर चलो कोई नहीं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. मैं तो भाई अपना देख रही हूँ. अब योगा मैट चाहिए, एंकल वेट्स चाहिए और बस जाके एयरपोर्ट देखते हैं और क्या क्या मिलता है और आपको भी दिखाते हैं. स्टे ट्यून्ड. तो जैसे कि आपने देखा, हम बस टीटी खेलने में इतना बिजी हो गए कि हमने वहाँ और कुछ नहीं किया. और मुझे अपनी योगा मैट नहीं मिली. तो बस अभी कुछ और मुझे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि किधर मिलेगी मुझे मेरी योगा मैट. एंड टिल देन मैं आपको अपने योगा मैट का अपडेट देती रहूँगी अगर मिली तो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेरे हाथ नहीं धोए, अभी हाथ धोती हूँ. आप भी जाके हाथ धो कंटिन्यूसली. Wash your hands.